vested in me as the Chancellor of Tirthankar Mahavir University, I admit Shri Sonu Nigam ji to the degree of Doctor of Philosophy honorary causa. I would now request the favorite of all the students, Shri Sonu Nigam ji, to come and address the students. Please, sir. Namaskar. सबसे पहले मैं मानना चाहता हूँ कि मेरे भाई नमस्ते. देखिए आप भाषण तो करिए जी, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा गीत भी हो जाए. जरूर, आप बॉस हैं, आप जो बोलेंगे जरूर करूँगा मैं पूरा से. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपको बहुत नमस्कार. आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ जैन सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते. और सभी जितने भी लोग हैं जिन्हें आज मेरी तरह डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मिला है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ. TMU के वाइस चांसलर साहब, सभी टीचर्स, सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार. थैंक यू वेरी मच. मैं सोच कर नहीं आया था कि मैं यहाँ पे आज कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही इतना ओवरवेल्म्ड हूँ. इसके पहले कि मैं कुछ गाऊँ, आप मेरी बात कुछ सुन लेंगे चलेगा? मैं कुछ बात कहूँ ना आपसे? तो अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल, आई वॉज प्रीटी मच माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल इज सिटिंग ओवर हियर, कैलाश इज सिटिंग ओवर हियर. ही इज अ विटनेस दैट आई वॉज अ प्रीटी गुड स्टूडेंट एज अ चाइल्ड. We used to be very good in studies. All मेरे जितने भी दोस्त होते सारे पढ़ाकू, हम बोलते पढ़ाकू लोग थे. तो पढ़ाई का मैं बहुत शौकीन था. पता नहीं अचानक ही जिंदगी में चेंजेस हुए और मैं सडनली दिल्ली से मुंबई आ गया. एंड आई गॉट सो इनग्रॉस एंड इनगल्फ इन माई प्रोफेशन, माई म्यूजिक, दैट आई यूज़ टू स्टार्ट मिसिंग माई स्टडीज इन माई स्कूल डेज. आई नेवर कुड अटेंड कॉलेजेस. सो मेरे दिल में एक रिग्रेट था हमेशा कि मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया. फिर मैं समझा कि जिंदगी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं समझी जाती, जिंदगी ज़िंदगी जीकर भी समझी जाती है. तब मैंने ज़िंदगी जीना शुरू किया, समझना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की ज़िंदगी की, दुनिया को समझना शुरू किया, संगीत को समझना शुरू किया, लोगों से किस तरह व्यवहार करना समझना शुरू किया. जिस तरह सुरेश जैन साहब ने कहा कि कुछों से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया, ये भी सीखा ज़िंदगी में. और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि काश मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो आज वो यहाँ पे सामने बैठी होती और मैं उनके सामने ये डिलेट प्राप्त कर रहा होता. पर वो आसमान से देख रही होगी और बहुत खुश हो रही होगी, बोल रही होगी मेरे बेटे कंग्रेचुलेशंस तुझे आज ऐसे बोल रही होगी मुझे. थैंक यू वेरी मच. इट हैज़ बीन अ वंडरफुल लाइफ. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट लाइफ. एंड अभी मेरी पढ़ाई चालू है, ज़िंदगी की पढ़ाई चालू है. जितना जीऊँगा, जितना भी लंबा जीऊँगा, सीखता रहूँगा, समझता रहूँगा. दिस इज़ वॉट आई इंटेंड टू डू इन माई लाइफ. एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. अच्छे बनिए, अच्छे रहिए. ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, इंसान बनिए, खुश बनिए, अच्छे रहिए, प्यार से रहिए. और यही कहूँगा कि ज़िंदगी सरप्राइजेस देती रहती है आपको, ज़िंदगी मैजिक देती रहती है. इसलिए हर पल को यहाँ पर जी भर जियो. जो है समा कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. छाओ है कभी कभी है रूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो. जो है समा कल हो न हो, वो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता मुश्किल से है, ऐसा जो कोई कहीं है.
बस वही सबसे हसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो Thank you very much, Baba.